In Sindh, Jats were basically camel riders, but afterwards Jat became a social group who are survived in every nook and corner of present-day Sindh. Etymologically, the word Jat is also meant a camel rider. In an earlier times, when Sindh was the land of green forests with plenty of water, camels could be seen almost everywhere at the time. But until now, due to the lack of forests and scarcity of water supply, this rich tradition of camel rearing has been declined. Nevertheless, Jats could not get away from the title they got because of their trade and work as camel herders. Jat uth sa laga piala uth jat nan jete jat budan de uth na sa hundo asa budo ai un ditho bi aksar kare उठ सा लगा पे उन्हीं के करे ही जत सड़िया वन हाँ हिंसर कचेरी करी पे बारह बैकग्राउंड में आवाज़ उठी नहीं अचे पे इन कर सुण पाई जत के जैसी उठ की आवाज़ न बुधण में आयो तो उन्हें सुख को जत ही उठ तो लाजुम मलजूम है अज भी खोड़ सारा उठन जहाँ वा वग जो जतन वटन जितोणिक इन वक्त ये हालतू को रही हुई जो मूल उठन जहाँ धन हुए पाले उनके संभाले ऐं अॻुणे वांगुरु सिंध बि कोन रही आहे उन डेल्टा जो पाणी ख़तमु थी वियो इनलैंड मां जारियूं ख़तमु थी वियूं जेको उठ जो वॾो चारो हो सो जत ई पंहिंजो उठ लाज़िम मलज़ूम त रहिया ई आहिनि कैमल हैज़ ऑलवेज बीन कंसिडर्ड एन इम्पोर्टेंट एनिमल इन सिंध हु वॉज़ वंस कॉल्ड द शिप ऑफ डेज़र्ट इन ट्रुथ फॉर द पर्पज़ ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड आर्टिकल्स वर मेड थ्रू वॉटर by marine ships and boats, and camels were used to order to bring those supplies of goods to the various markets in the desert. Similarly, camels were proved to be the most useful animal for carrying goods and people back to the seashore. With the help of camels, regarding trade and commerce, gave rise to a new culture, and people connected with camel trade were later called Jats. As time advanced, there appeared changes in the trade dealings, but Jat community became an integral part of Sindh culture. Jat Sindh Puri mein to hui hain aksar to unhi jagah so Sindh ji samundi pattiya sa khas kare hetan da jeki Karachi jeki zila hain saheli zila Karachi Thatto hane Sujal uthayo Badin inhi ji samundi patti sa taake aksar to Jat milda hi milda इन के छे करे विच सिंध या अपर सिंध में तक मीरजत जो है ना वो मिल कच्छ दाँ जो वा इंडियन कच्छ तो उते तक असा कोई अस्सी या बयासी राज मिलता उके जिनमें कुछ त माना ये समझो तो पंजा राज इतने भी तो उन्होंने मजा ही पंजा राज उत जो शहजत कच्छ में भी इतने भी फकीरानी कच्छ में भी इतने भी मनवाणी उत भी तो इतने भी जी आँ मिसाल लिया असां मायर मकड़ा हुते कोन आहियूं हिते आहियूं ज्ञाच जत कच्छ में कोन आहिनि हिते आहिनि प्रेज़ेंटली देर आर मोर देन 100 कास्ट्स एंड सब कास्ट्स ऑफ जट्स लिविंग इन वेरियस रीजन्स ऑफ सिंध इंक्लूडिंग मीर जट्स एज़ वेल जतन जी ओड़कूं आहिनि के जत मकड़ा आहिनि के फ़क़ीराणी आहिनि के मनवाणी जत आहिनि जतन जी कई जातियूं आहिनि हिते जत फ़क़ीराणी आहिनि
हा जत आहिनि वंगाई आहिनि ॿिया इस्बाणी आहिनि ॿिया जत फतवाणी आहिनि इहे जत जेके बि ओड़क आहिनि जतनि जूं से इहे आहिनि सतवाणी आहिनि जत बलोचा आहिनि जत बरोचा आहिनि जत ऊनाणी आहिनि जत खानाणी आहिनि इहे सभई जत आहिनि सिंध ऐं कच्छ में 100 खां मथे जतनि जा सब ट्राइब आहिनि जिन में घणो मशहूरु फ़क़ीराणी ऐं वंगाई ऐं असांजा मलकाणी इहे घणो मशहूरु आहिनि ऐं ॿिया जेके आहिनि उन्हनि में हिकिड़ो असांजो वॾो सम्झो त हिसो खणी चइजे मीर जत ते मुश्तमल आहे जेको असांखां परे आहे ठटे में थोरी घणी उन्हनि जी आबादी आहे बाक़ी विच सिंध ऐं अपर सिंध में उहे रहनि था ओड़कूं ईअं त कबीला थींदा आहिनि हाणे हिकिड़ो फ़क़ीराणी सांवलाणी हिननि जी असल जेको हीअ जत सांवलाणी आहे सांवलो हुन जो जेको बुज़ुर्ग वॾो आहे उन सां लाॻापियल आहे सांवलाणी उन खां पोइ उनखे फ़क़ीराणी बि चवंदा आहिनि त ईअं थींदियूं आहिनि जीअं मलक थिया उन्हनि ते मलकाणी अची विया हाणे उहे बि असल जत आहिनि हाणे उहो सॾजंदा आहिनि मलकाणी या फतवाणी जत सॾबा त उनजो वॾो जेको फतू जत उनजो जेको पोयां नसल थी वियो उहो थी वियो फतवाणी ईअं जत जत सभु जत आहिनि ओड़कूं वॾनि जे कबीला हाणे आदमशुमारी वधनि पियूं उन हिसाब सां उन्हनि जा कबीला वधी विया त उहो हज़ारनि जी तइदाद में माण्हू अची विया हाणे जत पर कंहिं ओड़क जे नाले सां हे फ़क़ीराणी आहिनि हे मलकाणी आहिनि हे फतवाणी आहिनि हे बुबराणी आहिनि According to the Sindhi researchers, it states that as in the past, jats were the caretakers of camels, same is held for the Mir Jats, who are identified as caretakers of chief of Jat communities. Mir Jats have the same social status regarding trade and commerce on the dry lands as compared to the Admiral of Sea Trade. Admiral was in direct contact with Mir Jats after landing their boats on the seashore. On the other hand, Mir Jats also decided total number of camels based on the goods and articles supplied and only after then Jats aboard their camels with goods to the different markets. Mir Jats were also taking care of the transportation and other related matters of Jats. मुंहिंजे नज़र में त जत ऐं मीर जत में कोई एतिरो कोई वॾो फ़र्क़ु न आहे छाकाणि त जेको असां एक्सेंट ॻाल्हायूं था जेको लहिजो ॻाल्हायूं था जत की जेका ॿोली आहे उहा सिंधी ॿोली जो सतों लहिजो आहे सिंधी ॿोली सतनि लहिजनि सां मिली करे पोइ वञी ठही आहे सिंधी ॿोली पूरी त उनजो हिकिड़ो लहिजो जत की बि आहे हाणे उन लहिजे खे जेकॾहिं ॾिसजे थो त मीर जत ऐं असां जत जेके आहियूं उन्हनि जी ॿोली बसि 19 जे फ़र्क़ सां साॻी आहे ऐं कपिड़ा उथण वेहण तक़रीबन हिकु जहिड़ो आहे एजुकेशन जो फ़र्क़ु पियो आहे छो जो असां हिन पासे जेको डेल्टा में रहिया आहियूं त असां वटि तइलीम कान्हे का ऐं हू पढ़ी विया आहिनि इहो फ़र्क़ु When Sindh was an independent country, there were only Samas castes living there. But later kings and rulers expanded trade and commerce. Consequently, Baloch tribes also turned to Sindh. Essentially, Samas people were present in the trade of Jats, who were situated outside seaport. Western side of those seashores were from Iran and Saudi Arabia, while the eastern side went beyond Bombay. When different castes of Baloch generation who came from Iran crossing via Hull establishing close connections concerning trade and commerce in Sindh, caretakers of their camels were Jats who famously called Jat Baloch. Arrival of these people are said to be dated back in 2nd century. But in Sindh, camels and transportation business of Jats was a custom existed long before their coming. In Iran, these jets have been called juft and zuft in the Arab world. हिते उहे कबीला जेके जत न बि आहिनि न पर जेकॾहिं उठण सां उहे रिलेटिव रहिया आहिनि त उहे जत सर्जनि था 1852 में हिकिड़ी अंग्रेज़ गवर्नमेंट हिकिड़ी लिस्ट कबीलनि जी जारी कई आहे
उन में उन जेके जत कबीला लिखा है उन में सजराणी सरवाण खोड़सारा उहे जेके जत आहिन कोन पर उन उहे पेशवराणा जत आहिन उन जो उठण सां त तालुक आहे न. Time has changed the very lifestyle of Jats. Once Jats were the pastoral community because of the camel rearing, always moving place to place all the time, and due to this reason they couldn't build their own homes on permanent basis, but constructed small huts and shelters made of wood stick, which were easily helpful in transporting goods on camels during voyage. Though Jats have now permanent houses in different places, yet at many locations their old hamlet-shaped homes could be traced, that distinguished from other houses of Jat communities. He ghar bas kada badam parch kariu matha pakha aniu po poi ji anjan po na ke dei hi basan ja kat pakka kare se lo hi lati bachwa ta hi bhunga hi bheniu par hi keda ya kareeb ॾिसबा वा ॾींहाणी अंगण ते अजीब थींदासीं तबीब जॾहिं आया जिन लाइ ही भूंगा ही भेणियूं ही गामोरिन जा घस हंधसि बचियो सूमर आहे मूंखे लुड़क वहुनि था लस मारू मुंहिंजा मिट ओ ठे विया ओ करी घर ओ ई सां गई आहिनि अंगण ओ ई पर जत न पसां जू में ओतारा ओठियुनि जा सोजियमि सुबुह ई पोइ ही अखियूं रत रोई माग ॾिसी मोटियूं जत किथे बि घर ॾिसंदे पर अलॻि हिन लाइ ऐं किटी बंदर न हुयसि उते जतन जो अञा ॿियो तरीक़ो काठ जा घर उनजो अलॻि अंदाज़ ऐं हिन जाति जो जतन जो लाइ अंदाज़ ई ॿियो आहे अलॻि शइ पर जतन जो घर जो हिकिड़ो अंदाज़ मखसूस आहे ॿियनि क़ौमनि खां अलॻि आहे. इहे शौक़ मां कारीगर खां ठाराईंदा आहियूं वॾे खां जे हिन में असीं शौक़ सां रंग रूप लॻाईंदा आहियूं या हिन में पटियूं हूंदियूं आहिनि जा दासा हूंदा आहिनि ॿियो हिन में अंदरि लाटण हूंदी आहे भिति जे लाइ ठाराहींदा आहियूं बांठ जी शौक़ सां इन लिहाज़ सां घर मज़बूत हूंदा आहिनि घर जो वॾो हूंदो सुठो ठाराहींदासीं लख रुपया ख़र्च अचो वञे मौसम जे लिहाज़ हिन में ही वासिरो खुलो घर हूंदो आहे गर्मी कोन हूंदी आहे सर्दी हिन में अंदरि वेही रहंदा आहियूं त सर्दी कोन हूंदी आहे ॿाहिरां थोरी सर्दी हूंदी अंदरि कोन हूंदी आहे छोके छोके जत बि ठाराहींदा कुझु किथे असां ॾिठा पिया आहिनि घर कंहिंजे माण्हुनि जा त घणो असीं शौक़ सां ठाराहींदा आहियूं जत कारीगर असांजो पंहिंजो को कौम वारो माण्हू आहे जत आहे उहो असीं उतां वठींदा आहियूं बदीन खां वठींदा आहियूं. Camels are also seen at the gate of their homes inciting an exquisite look. These Jat homes, if not many, are the original construction where wobblings of young camels can be felt greatly. Besides Sindh and Balochistan, Jats are inhabited in Iran and other areas as well. But in Sindh, they are residing in the southern part, Lar, while in India, they are most populated in the Kutch area. Jati city in the southern part of Sindh is also famous because of Jats. Jats in this part of Sindh are still concerned with camels. Lack of grazing in the deserted places, Jats send their camels to the sea where their habitation is in the sea forests. सामुंडी ॿेला जेके हुआ जेके हिते एतिरो मिठो पाणी जेको ईंदो हुओ उहो ख़तमु थी वियो सामुंडी ॿेला घटिजणु शुरू थी विया हिन पासे तव्हां जॾहिं वेंदा पंहिंजो हिन में पंहिंजो आइलैंड्स में वेंदा
त तव्हांखे जतनि जे नालनि सां ॿेला मिलंदा, जीअं असांजो मकड़ो जतो दोदा जत नाले सां तव्हांखे दोदा वारो ॿेलो मिलंदो, ऐं उहो उन माण्हू पंहिंजे हथनि सां पोखियो हुओ। हुनखे कतनि इन जी ज़रूरत ख़बर कान हुई त कोई हिन जो एनवायरमेंट ते को असरु आहे, या कोई सी एरोजन रोकींदो, या मतिलबु मुंदड़ मौसमनि ते को हुनजो असरु पवंदो, या त हुनखे ख़बर कान्हे। हुनखे सिर्फ़ु पंहिंजे जियापे ऐं पंहिंजे उठनि खे जीआरण लाइ तिमिर लॻाइणा पिया, न सिर्फ़ु दोदा लॻाया पर खोड़ सारनि जतन जेको आहे ऐं तिमिरनि जा ॿेला लॻाया। अॼु बि तव्हां जेकॾहिं ॾिसंदा त जॾहिं फ्रेश पाणी मिठो पाणी खणी हितां छजान खान खां हाजी डूंगर जत जाति खां ऐं शाहबंदर प्रॉपर शाहबंदर खां ऐं थोड़ी इहो खारोछाण खां खोड़ सारा इहे इलाइक़ा आहिनि जितां इहे तलाउनि मां पाणी भरे उठनि खे जॾहिं पीआरण वञनि था वापसि जॾहिं मोटनि था उन मुंद में जॾहिं तिमरनि में या मैंग्रूव्स में जेके कैप्सूल या ॿिज अची था वञनि त उहे भरे खणी था अचनि ऐं पोइ ब्रॉडकास्टिंग कनि था छट कनि था त जीअं ई मैंग्रूव्स जा ॿेला वधनि वीजनि ऐं असांजो जियापो बरक़रार रहे उठ रहनि। चारो माल जो ख़तमु थींदा आहिनि, पाणी जूं खोटूं थींदियूं आहिनि, मालनि जा चारा ख़तमु थींदा आहिनि। ॿियो माल संभालणु हिन दौर में ॾुखियो आहे, उठनि जे करे त उनखे चारो जितां परे मंज़र तां किथां बि चारो पंहिंजो हासिलु करे वञे हलियो। ऐं साहिली इलाइक़े में घणो करे जत जेके उठ पालींदा उहो बि नही जे करे त समुंड में तमामु वॾा तिमरनि जा ॿेला आहिनि। सिर्फ़ु ॿ महीना उन हिते खुश्की ते छॾींदा आहिनि ऐं ॾह महीना जेको उठ समुंड में ई रहंदा आहिनि ऐं हितां ॿेड़नि में उन्हनि जो पाणी खणी वेंदा आहिनि। उहो पाणी उते पहुचाईंदा ॿिनि ॾींहनि खां पोइ वरी पाणी ॿियो भरे वेंदा आहिनि। लैंग्वेज ऑफ जट्स इज़ एज़ डिफरेंट एज़ देयर डाइवर्स मोड्स ऑफ लिविंग। देयर लैंग्वेज इज़ कॉल्ड जटकी लैंग्वेज, दैट इज़ लैंग्वेज ऑफ जट्स। Near to some scholars, language of Jats has no resemblance with Pashto as well as with Persian. According to the linguists, if one studies the grammar of Jat language, it will seem to know that their accent is more similar to the accent of pure Sindhi language. According to the scholars, language of Jats is prominent part of the Sindhi languages and its accent plays most crucial part. किथां आयो आऊं, कहिड़ो तुंहिंजो हाल आहे, हाणे कहिड़ा काहे ॻोठ में जा आयो आऊं। तेॾीमहिल वरी हू तोखे चवंदो साम्हूं त आऊं हाजी डूंगर वारे ॻोठ में जा आयो आयो आई। हा सम्झंदो, इहा आहे जतकी ॿोली जेका असांजी किताबनि में ई कोन्हे। लतीफ़ जे बेथ में आहे न त ऐशा ऐशा कन वाचण जी वाई, सुणी हुलहोंदी जो मूढ़ियासड़ी माई, हुयासि घणे ॾाही पर होत वठी विया हूणे हूणे बि असांजी ॿोली आहे। ऐशा ऐशा कन कालां पोइ कोहे विया, होतनि बिना हाल हाड़े में हंगा थिया, इहा बि असांजी ॿोली हंगा थिया। साईं लतीफ़ साईं जो हिकिड़ो बैत आहे त गुंध ओठी ॻाढ़ असां ओठी हड़नि जो, खीऊं खीरो ॼणियूं ॾींहं कीन ॾाढ़, जीअण उनी रे जाड़ जनम गुज़ारियम जिन सां। हाणे जनम गुज़ारियम जिन सां तव्हांखे ख़बर आहे जीअं सेवा किताबु आहे, सो गुंध गुंध हर कंहिंखे ख़बर आहे सिंधी बि आहे। ॻाढ़ गालबन जतकी आहे निज, ॻाढ़ माना थोरो, गुंध ओठी ॻाढ़ असां ओठी हणण ॾियो, खीऊं खीरो ॼणियूं, खीरो ॼणियूं आहे जेका स्पेशली उठ जे खीर में जेका ठाहिबी आहे। ऐं लतीफ़ साईं सिधो सऊं जतकी जेको लहजो आहे उन में बिबत चया आहिनि, जीअं उछे उछे कनि वाछण संध्यान वाई, उछे उछे जतकी आहे, वाछण बि जतकी आहे। उछे उछे कनि वाछण संध्यान वाई, सुणी लहंदी जो मुड़ियासिड़ी माई, ॿोली सा जातड़ी खाणी मूंखे न आई, हुयासि घणे ॾाही पर मुंहिंजो होत वठी हुणे विया। हाणे इहो सॼो जेको आहे लतीफ़ साईं जो बैत आहे, उन उहो हिन ते पंहिंजो आहे जतकी में आहे। जट विमेन आर डिस्टिंक्टिव बिकॉज ऑफ देयर ड्रेसिंग रिचुअल्स एंड ऑर्नामेंट्स। पीपल हु आर हैविंग अ क्लोज फेमिलैरिटी विद देयर वेज ऑफ लाइफ सेज दैट विमेन ऑफ जट्स वेयर देयर ड्रेस बेसिस ऑन देयर डिफरेंट कास्ट एंड लीनेज। दे आर बेस्ट आइडेंटिफाइड फॉर देयर लॉन्ग शर्ट ऑन देयर बॉडीज। Previously, Jat women wore unique ornament
But this tradition has become less fashion, however, it is not fully seized. Ekri ai buli asi chunda si unake dandadi natha ai daniyu ain bunda ain varna ain jhumaka ain anya basariyu ain is sab zevar ain payan ja bas tabdili aayi hai ta age jeka wadi natha painda wasi uha natha jeka hai uha ghani tani hane nikri hui hai. It is stated by Jats that if Sassi, wife of Pannu, would have worn long shirt, which is gago, perhaps the separation between Sassi and Pannu could never have happened. Jats talk of Sassi Pannu folklore for the reason that they do not have the custom of marrying in the same caste, and clothes of women have special mark of identity. वडी दावत कोन कंदासी पांजो पाड़ो हुंदो ते में सुन्नत कराई छरी नासी नका बस ओड़कन में बी जात न सब डाज जो को अगे मिलनो वो सो सागई बो मिले आन उठ पे दियो डांची पे दियो उन जो गोरो पे दियो पो जे नियाणी माइक तके बिने मिठी आए ना तो उन के चार पांच ढोर ब्या पे वधिक वारे दियो पर नियाणी के वो मर्द न चे तो तू शा खणी आई आई तो जे पेवटा असा वट जो को भरत है ना वह मखसूस है यूनिक किस्म जो भरत है असो जतन जो इवन जो जैसे सिंधी में खण चो न तो मीर जतन जो असो सागो आसो गज अस तो गज बहराल चौंह को अस चाहिए अगोटी मीर जत भी चवन अगोटी वह अगोटी जो भरत जो खण जो है वह असो बाकी सिंधी भरत का अलग थ लगा है इतने भी जगह तुम दिसा अस डेल्टा वाले जतन के तो उतने भी तक वाजे वाजे इन भरत के हिसाब से खबर पवी तो हि डेल्टिक जत है हि इंग्लैंड जो जत है छाकाण तो उन्होंने जो अगोटी की साइज है वह भी जी मीर जत वो तो काफ़ी वही है गोडे ती अचे थी बाकी बया जो असाजा इंग्लैंड वाला जत जो उन्होंने अगोटी जी वही साइज की है उन्होंने नाला भी मुख्तलिफ हैं जैसे तो असा जी खाराई जत या डेल्टिक जत जो आयो उन भर्त जो उनका अलग है नंढी अगोटी है उनका नाला पंजा गज जो अगोटी माना गज तो उन्होंने जो नाला जो पंजा सोलह किस्म जो अगोटी जो अस पाइंदा जिनमें फुलणियाई बूटिया बूटाई मिश्री संग Peti Gul, Sadi Chopad, Mandi Chopad, Alai, Sora Nala Unadahin. By looking at the historical records, one fact may come to the surface that Jats become most prominent caste, especially after the folklore of Sassi Pannu. The way Petai has sung and talked of this folklore, in which Jats are mentioned as strapping caste. मोहब्बत पेड़ी हुए सस भी चवे तो पंजा जुल्फ वार जे वे इन उठन जो वागू खड़ी कर वार वे वागू कर पवा हूं तो पलान जड़ो पुनल पान तेरी सिता जथन दी साथ जी घटदनी चवी तो जत्ता शाल जियो अना भी पुनल के केड़ी दाऊं पई करे चजता शाल जियो अभी जियो मर जाड़ू करियो बांभन जो बरू चरे बांभन जो बरू चरे बेली नाहे बियो छिनन नाहे बियो ये संग नाहे छिनन जेडू Jats are, in fact, physically powerful people, imagining who know how to handle and ride an equally strong, powerful, and temperamental animal like camel, whose physical strength is widely known.
ban bas ma wag mein hunda te ke kyon kon sambhalinda dhaniya ke sab jo ko utha yaad hunda ta ajo koi nahi utha ji masti ji aaye po palin ta unage latifa je betha me ta karaye ke kai dam pe da palan ja par leedo laani chare ni arsan nahi han change sandi chit me tu sahib ho ji sai chado han o bhai o sai lutfa sa latif jai ekde betha me poche ta karo saro nathi mayo na chare mok पर हन आर ओडो न अचे थकियो छडे न थोक चदो लाणी विचा लोक का वल चुनाई वे जी बंद जो वणन उठ केडा मस्त उठो जन लोक पाडा हो जन पर इंसान डाढो आ बिकॉज ऑफ द लव जस्ट शोइंग फॉर शाह अब्दुल लतीफ भटाए दस दे केयर एंड रिस्पेक्ट हिज पोएटिक रिवेलेशंस गंगा जट इज मोस्ट फेमस फॉर इट्स मेंशनिंग इन द पोएट्री ऑफ भटाए In the earlier times, Jats did not marry their young ones unless he recites complete poetry collection of Bhatai, notably known as Shah Jo Risalo worldwide. It is though no more a tradition for them now, but nevertheless poetry of Bhatai is sung and remembered in the gatherings and marriage ceremonies of Jat communities. ससुई समझाए अल्लाह ओ तय दियोड़ी उठा वेंजन बाहो तय दियोड़ी उठा वेंजन बापा कोड़ा पाए बिना पी के चनला काहे अल्लाह बाकोड़ा पाए बिना पी के चनला काहे जो मसारियानी अल्लाहे जता गोलियां पे जबाल में है जता गोलियां पे जबाल में वहराए मेरा है विन्या पे के चनला का है करियो मके जे नियुने अन्या सरो आहे अल्लाहे दुआ करियो मके जे कड़ाके जी भी कजा रूसी तो खाविया रूसी तो खाविया सिंगण खे विया कड़ाके जी भी कजा रूसी तो मत दरबिया भनी वरविया लाड़ो मत दरबिया भनी वरविया लाड़े कड़ाके Different scholars who are working on the Jats claim that castes belonging to Baloch and their neighborhood living with Jat castes has become the cultural part of Jats, whose actual identity is difficult to trace. They tell approximately a third portion of people belonging to Baloch tribe are the parts of Jats. These tribes include Lagari, Kosh, Kipchani, Khoshk, Jiskani, Bhand, Hajara, Lanjwani, Dedra, Didar, Jitoi, and Kalmati. Malik is known as the chief of Jats in the southern part of Sindh, while in the Kutch it is called Laki. Both titles have no relation to Baloch tribes. Customs of life and death mostly resemble with the sub-castes of Samas. There is a great treasure of folk literature available to Jats. Numerous eminent poets are belong to Jats whose poetry is praised and sung by Jats in their meetings and gatherings. There is not much critical analysis of research work done in Sindhi literature regarding the history of Jats.
on the basis of diverse research findings by various scholars, have somehow done prolific work. Nevertheless, their conclusions is of little help about the estimated population of Jats, their modes of life, as well as their tribal caste system. Without doubt, there is yet a great research work needed to be done exclusively in order to protect the historical preservation of Jats as an ancient caste of Sindh, so that for factual basis, an attentive record of Jats and absolute study of camels can be documented forever in the pages of history.